नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर ई पैन कैसे बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इनकम टैक्स के पोर्टल पर आने वाले सभी एरर के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए और चलते हैं हम दोस्तों गूगल क्रोम ब्राउज़र पर और ओपन कर लेते हैं इनकम टैक्स का पोर्टल, जहाँ से हम ई पैन जनरेट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं इनकम टैक्स का जो ऑफिशियल साइट है उसका नाम। अगर आपको चाहिए तो दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल के रख देंगे, आप वहाँ पर भी जाकर डायरेक्टली ई पैन जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि हम इसे ओपन कर लेते हैं, दोस्तों जैसे ही हम इनकम टैक्स का पोर्टल ओपन करते हैं तो पहले हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है, तो हमें होम पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे ही हम होम पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में देखिए दोस्तों हमारे सामने कुछ क्विक लिंक्स भी ओपन हो जाएंगे। ये जो क्विक लिंक्स हैं दोस्तों, इसके थ्रू हम डायरेक्टली आसानी से जाके अपना काम कर सकते हैं, हमें कहीं पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर देखिए, लास्ट में देखिए थर्ड नंबर पर इंस्टेंट ई पैन का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, हमें इसी पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन होती है, जहाँ पर आपको पैन कार्ड अप्लाई करने का जो प्रोसेस है इनकम टैक्स द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है गेट ई पैन विद इन 10 मिनट, और आगे देखिए होल्ड सेम वैल्यू एज ए फिजिकल पैन कार्ड। मतलब दोस्तों इसका भी वैल्यू फिजिकल पैन कार्ड कितना ही रहेगा, इसे कोई लेने से मना नहीं कर सकता है। और दोस्तों ई पैन अप्लाई करने के लिए आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक रहना जरूरी है, वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। तो चलते हैं हम गेट न्यू ई पैन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम न्यू ई पैन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने दोस्तों कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमसे आधार कार्ड नंबर पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर चलते हैं अपना आधार नंबर मेंशन कर लेते हैं। दोस्तों अपना प्रॉपरली आधार कार्ड मेंशन करने के बाद अपना कंसेंट देते हैं, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, आई एग्री आई कंफर्म दैट पे क्लिक करके और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने दोबारा से टर्म्स एंड कंडीशन ओपन हो जाता है। दोस्तों अगर हमें पढ़ना है तो ये पढ़ सकते हैं, नहीं तो एग्री करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं, तो हमारे आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आ जाता है, और हम ये OTP यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। तो कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम जब OTP यहाँ पर डाल के टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर एरर लिख के आता है। तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हमारे आधार कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, दोस्तों ये साइट का इशू है। हमने इसके पहले भी कई बार ट्राई किया तो उस टाइम नहीं हुआ था, तो हमने कस्टमर केयर पर बात किया तो उन्होंने एक्सप्लेन किया मुझे कि ये साइट इशू है, ये कुछ दिन में रिजॉल्व हो जाएगा। तो हमने दोबारा से दूसरे दिन ट्राई किया तो उस टाइम हो गया था। तो जैसा कि हम OTP यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेते हैं, तो हमारे सामने देखिए हमारे आधार कार्ड पे जो भी इन्फॉर्मेशन है सामने देखिए ओपन हो जाता है। तो हम यहाँ पे प्रॉपरली चेक कर लेते हैं कि हमारा ही इन्फॉर्मेशन ओपन हुआ है। तो नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पे लिंक ईमेल आईडी है, तो हम कोशिश करते हैं कि बिना ईमेल आईडी लिंक ये प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं, क्योंकि वैसे तो होता नहीं है, तो भी चेक कर लेते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों लिख के आ रहा है कि ये ईमेल आईडी वैलिडेशन कंपलसरी है, तो बिना इसे वैलिडेट किए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों वैलिडेट पे क्लिक करके हम ईमेल आईडी वैलिडेट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो हमें पीछे लेके आ जाता है, तो हम यहाँ पर ईमेल आईडी अपना मेंशन कर लेते हैं। दोस्तों ईमेल आईडी यहाँ पर डालने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करना होगा, और जैसे हम सेंड OTP पर क्लिक करेंगे हमारे ईमेल आईडी पर OTP जाएगा, तो हमें यहाँ पर दोबारा से OTP फिल करना होगा। और दोस्तों कभी भी आपको OTP फिल करने के बाद
कोई भी समस्या आती है, जैसा कि ओटीपी फिल करने के बाद कोई एरर आता है, तो एक बार आप कोशिश करें कि आपका जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, क्रोम का यूज़ कर रहे हो या मोजिला का जो भी यूज़ कर रहे हो, आप उसका जो ब्राउज़र हिस्ट्री है वो आप डिलीट कर लें, उसे क्लियर कर लें और कैचे भी क्लियर करके दोबारा से आप ट्राई करो। हो सकता है ओटीपी का इशू रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि ऐसा कई बार होता है। ऐसा जो है कस्टमर केयर ने भी हमें एक्सप्लेन किया था, जबकि मैं वैसा किया मगर उसके बाद भी नहीं हुआ, तो मैं दोबारा कस्टमर केयर पे बात किया तो उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि ये आपके साइट वगैरह का इशू नहीं है, ब्राउज़र का इशू नहीं है, ये जो ऑफिशियल साइट है उसका मेंटेनेंस चल रहा है, इस वजह से ये इशू आ रहा है। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, आप कोशिश कर सकते हैं, अगर वैसा क्लियर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये समझ लीजिएगा कि साइट का कुछ यानी मेंटेनेंस वगैरह में चल रहा है। तो दोस्तों हमने जो ओटीपी सेंड किया हमारे फ़ोन पे आ चुका है, तो हम यहाँ पे अपना ओटीपी है जो है वो डाल लेते हैं। दोस्तों ओटीपी डालने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, देखिए हमारा ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया और दोबारा से कंटिन्यू कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं, दोस्तों हमारे सामने देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर ई पैन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली लिख के आ गया है, और नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर फॉर द सेम एज जो लिखा हुआ है वो हम उसे कॉपी कर लेते हैं या फ़ोटो निकाल के रख लेते हैं अपने फ़ोन में, और दोबारा से चेक कर लेते हैं कि हमारा पैन जनरेट हो गया है या नहीं, क्योंकि हमने तो अप्लीकेशन सबमिट कर दिया है। उसके लिए हम गो टू लॉगिन का जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है, हम उस पर क्लिक करके दोबारा से बैक जाके हम अपना पैन कार्ड स्टेटस चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो उसके लिए हम फिर से होम पर जाते हैं। होम पर जाने के बाद फिर से दोबारा हम इंस्टेंट ई पैन पर क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, नीचे देखिए इंस्टेंट ई पैन पे क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। फिर हमारा दोबारा से वही ई पैन का जो प्रोसेस वाला विंडो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर गेट न्यू ई पैन का ऑप्शन है और राइट साइड में देखिए चेक स्टेटस डाउनलोड पैन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे इस पर कंटिन्यू करेंगे तो दोस्तों दोबारा से हमें यहाँ पर आधार नंबर मांग रहा है, तो हम यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देते हैं। दोस्तों आधार नंबर डालने के बाद दोबारा से फिर यहाँ पर हम कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं, और फिर से हमारे फ़ोन पे दोस्तों ओटीपी आ गया है आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर, तो हम यहाँ पर ओटीपी मेंशन कर लेते हैं। ओटीपी मेंशन करने के बाद वेरीफाई करते हैं दोस्तों, और देखिए यहाँ पर अभी पेंडिंग शो कर रहा है दोस्तों, मतलब अभी हमारा पैन कार्ड जनरेट नहीं हुआ है। तो इसमें दोस्तों कुछ टाइम भी लगता है, कभी कभी अगर संडे वगैरह रहा तो 2 दिन भी लग जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपना पैन कार्ड रेगुलर ट्रैक करते रहिए, 1 से 2 दिन में यहाँ पर आपका पैन कार्ड अपडेट हो जाएगा। तो हम जैसा कि दूसरे दिन अपना पैन कार्ड का जो स्टेटस है वो चेक कर रहे हैं और देखते हैं कि हमारा पैन कार्ड जनरेट हो चुका है कि नहीं, तो हम पहले जैसा ही साइट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर नीचे देखिए चेक स्टेटस और डाउनलोड पैन का जो ऑप्शन है उस पर नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो दोबारा से हमें अपना आधार नंबर वहां पर डालना होगा और ओटीपी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वो प्रॉपर्ली फिर से फिल कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि दोस्तों हमने अपना आधार नंबर यहां पर मेंशन कर लिया और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेते हैं, और हमारे आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी फिर से आ चुका है, तो हम उसे यहाँ पर फिल कर लेते हैं।
दोस्तों ओटीपी फिल करने के बाद नीचे जो कंटिन्यू बटन है उस पर फिर से क्लिक कर लेंगे। दोस्तों जैसे हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से ओपन हो गया है। यहाँ पर देखिए सब ग्रीन कलर का दिख रहा है, मतलब ये देखिए सब राइट क्लिक हुआ है, मतलब कि सब करेक्ट है। और ये देखिए राइट साइड में देखिए व्यू ई पैन और डाउनलोड ई पैन का ऑप्शन दिख रहा है, तो हम डाउनलोड ई पैन पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो शो हो रहा है दोस्तों कि हमारा ई पैन जनरेट हो चुका है, तो हम व्यू ई पैन पर क्लिक करके हमारा ई पैन देख लेते हैं। तो देखिए हमारा दोस्तों ई पैन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो हम इसका अगर कार्ड चाहिए तो अपना कार्ड भी बना सकते हैं और बाकी इसका प्रिंट निकाल के किधर भी इसका यूज कर सकते हैं। और बिल्कुल दोस्तों ये जो फिजिकल पैन कार्ड होता है उसके जैसा ही ये काम करेगा, इसका यानी वैल्यू सेम एज फिजिकल पैन कार्ड ही रहेगा दोस्तों। तो मतलब इसे कोई लेने के लिए मना नहीं कर सकता, इनकम टैक्स के द्वारा ये अप्रूव किया गया है। तो इस पर दोस्तों सिग्नेचर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सेम है जो आपका आधार कार्ड पे जो डिटेल है वहीं आपके पैन कार्ड पे आया है, तो इसके लिए आपको सिग्नेचर का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों आप देख ही चुके हैं कि इनकम टैक्स के पोर्टल पर ई पैन कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसका फिजिकल पैन भी अप्लाई करना है तो उसके लिए हम अगले वीडियो में उसी के बारे में ही बताएँगे। और दोस्तों अगर इस वीडियो में हमसे कुछ छूट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं किसी और वीडियो में।